राज्य सरकार बराबर अपनी नीतियां बनाकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये रहती है कि आम आदमी का बच्चा भी एक रेगुलर बेसिस पे अध्ययन प्राप्त कर रहे और थोड़े समय में ऐसा आएगा कि सरकारी स्कूलों में भी एक जो बच्चों की एजुकेशन प्राप्त करने की जो स्थिति है वो अधिक मात्रा में रहेगी, ऐसा राज्य सरकार का प्रयास भी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि निजी स्कूल का जो एक माफिया पनपने वाली बात है, इस पर ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। इसमें फीस एक्ट में गवर्नमेंट से हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमारी फीस का तय करने का अधिकार दूसरों को सौंप दिया है। एक संस्था प्रधान किस तरीके से अपने स्कूल की व्यवस्था करता है, किस तरीके से अपने मैनेजमेंट कर चलाता है, और ये अधिकार आप दूसरों को दे दिया। एक इच्छा होती है कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, इसके लिए चाहे उसको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं, जो खर्चे हैं, उनमें कटौती करनी पड़े तो वो करता है। और जो फीस है वो सही मायने में देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि 60-70% जो अर्निंग है ना पेरेंट्स की, वो फीस को और उसके स्कूल के खर्चों को वहन करने में ही चली जाती है। हर साल स्कूल जो है वो फीस बढ़ा रहा था, साथ ही साथ जब फीस कमेटी ने आदेश दिए कि फीस उन्होंने उस पर रोक लगाई तो स्कूल ने अपनी मनमानी चलाई और किसी प्रकार से भी उन्होंने फीस कमेटी को नहीं माना और उन्होंने बच्चों को लाइब्रेरी में बंद किया, बच्चों को प्रताड़ित किया और पेरेंट्स के साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया था, जिसके चलते कई सारे पेरेंट्स ने लास्ट ईयर जो है स्कूल से अपने बच्चों को निकाला था, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी अपने बच्चे का स्कूल चेंज किया था, जबकि हम ने एडमिशन करवाते वक्त डोनेशन फ़ीस और बहुत सारी डोनेशन फ़ीस सब कुछ देकर के अपने बच्चे का एडमिशन करवाया था। तस्वीर का रुख हमारे सामने है, सवालों को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों से बात का सिलसिला शुरू करते हैं। कृष्णा कौरानी जी और साथ ही खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी जयपुर से नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज आपने ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ। जी सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक साहब आप ये देखो, ये सरकारी और प्राइवेट स्कूल है, इनकी इतनी मनमानी है परीक साहब, राज्य सरकार का तो ध्यान ही नहीं है इस तरफ। आज किसी भी स्कूल के अंदर अपन एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले जो 2 महीने के पैसे लेते काय के लेते हैं, इनको तो छुट्टियों के पैसे दो, उसके बाद में इनकी यहाँ से स्कूल के अंदर से आपको ड्रेसें खरीदनी है, स्कूल के अंदर से किताबें खरीदनी है, स्कूल के अंदर से मनमानी करनी है, और अगर कहीं 19-20 हो गई तो उसके अंदर साहब आपका बच्चा जा रहा है बाहर, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे दो, उसकी मतलब दुनिया भर की तो उन्होंने चूतियाबंदी कर रखी है प्राइवेट स्कूल वालों ने। शुक्रिया आपका। खालिद कुरैशी साहब क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो प्राइवेट स्कूल सरकार के निर्धारित की हुई फीस से ज्यादा लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को जो सरकारी स्कूल में उनमें सुविधाएं बढ़ाए ताकि जो प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं उनकी रोक लगाई जा सके। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। एक बात निकल कर आ रही है तिवारी साहब यहाँ पर, एडवांस फीस की 3 महीने की क्वार्टरली फीस के नाम पर 2 महीने पहले का आप फीस ले लेते हैं निजी स्कूल, क्या ये ठीक रहेगा, ये जायज है? नहीं सर, इसमें भी मैं वो अभी पहले भी आपने जिक्र किया, वो कुछ 5% जो स्कूल हैं ये सिस्टम उन्हीं में है, हम लोग तो सिर्फ मंथली फीस लेते हैं और उसमें भी कोई पेरेंट्स अगर ये मैं आपके ग्रुप की बात करना चाहता हूँ, आप अपने स्कूल की बात करना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ पूरे ओवरऑल में बता रहा हूँ, एजुकेशन ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या आपका दबाव है प्राइवेट स्कूल्स पर या फिर संगठन यूं ही चला रहे? नहीं बिल्कुल, हम लोग उनको अभी हम लोगों ने यह तय किया है कि ये किताबें वहाँ से स्कूल से हमने देना, अब हमारे संगठन में जितने भी स्कूल जुड़े हैं उनको कह दिया कि अब किताबें आप रखना बंद करो, ड्रेसें रखना बंद करो, उसमें क्या रखा है, अगर चूहे काट जाते हैं वो ड्रेसें और पड़ जाती है, जितने की ड्रेस नहीं है उससे ज़्यादा स्कूल वालों को नुकसान होता है, हमने एक बार कह दिया साफ मना कर दो, और सीधी सी हम तो गवर्नमेंट ने आप इस बात के हक में, मैं बात जानना चाहता हूं तिवारी साहब, आप इस बात के तो हक में है कि ना तो एडवांस फीस होनी चाहिए और ना ही स्कूल्स में कोई शोरूम तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बहुत शुक्रिया, अभी मैं आ रहा हूं फिर आ रहा हूं आपके पास में। इंद्रोजा जी नमस्कार, बीकानेर से। नमस्कार अश्विनी जी, बताएं। परीक साहब मैं मेरी बात एक शेर से रखना चाहता हूं आपके सामने। जी सर। हो गई फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार को सुनता कौन है सर, लेकिन और पारी साहब पंकज जी भी बैठे हैं, ज्योति जी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, ठीक है अपनी अपनी पार्टी का दोनों पक्ष रखेंगे, लेकिन दोनों के हाथ में कुछ नहीं है। हालात ये है, हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट, पंकज जी आप गौर से सुनिए मेरी बात को, ज्योति जी आपको भी पता है, एक महिला हो, गृहिणी हो, आप घर चलाती हो,
आज स्कूलों की जो हालत मनमानी जो स्कूल परीक्षा कर रहे, मैं शब्दों का बयान नहीं कर सकता, गरीब लोग मर रहे हैं, अपने बच्चों को मतलब घर में खाना खाने के जो सामान है उसको रोक के बच्चों के पीछे मर रहे हैं लोग, गरीबों की हालत। मंत्री जी आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, बीकानेर में आखिर मैं दिखा दूँ आपको साथ में, चलिए क्या हालत हो रही है लोगों की, और कहा किसको टाइम है, सरकार से बीजेपी को कांग्रेस की हो, भाई साहब किसी मंत्री को दर्द नहीं है, जब तक जनता का दर्द नहीं होगा ना तब तक बिना महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सवाल है, आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सुनीता जी है जयपुर से, नमस्कार सुनीता जी, बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो ये मई जून की फीस लेते हैं स्कूल वाले, तो क्या ये कह करके लेते हैं कि हम टीचर्स को पेमेंट करते हैं, लेकिन ये करते नहीं है। मई जून की छुट्टियों का पैसा जब टीचर्स को नहीं देते हैं, पेमेंट नहीं करते, तो बच्चों से क्यों वसूल करते हैं, और अगर बच्चों से वसूल करते हैं तो उसका पेमेंट टीचर्स को क्यों नहीं देते। मैं चलिए बात करता हूँ, उससे पहले मेंदोला साहब आपके पास में आना चाहूंगा, जो सूरत हमारे सामने दर्शकों ने रखी उसके बाद क्या कोई ऐसा नियम बना है जिस पर अभी तक सरकारें कड़ाई से पालना नहीं करवा पा रही। दर्शकों को ये बहुत बेहतर ढंग से समझना होगा मुद्दे को, कि जब तक सीएजी का ऑडिट राजस्थान विधानसभा अधिनियम नहीं बनाएगी कि सीएजी ऑडिट कंपलसरी होगा तमाम निजी स्कूलों के लिए, पर्टिकुलरली सीबीएसई स्कूलों के लिए, तब तक इस समस्या का कोई निराकरण संभव नहीं है। उसका कारण बताएं आपको कि हर स्कूल इतनी फीस लेता है कि अगले साल वो एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लेता है, उसके बाद फिर नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लेता है, और एक इंस्टीट्यूशन की श्रृंखला बनाने की कोशिश की जाती है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को रोका जाना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूशन में जितना इनकम हुई है उसका आय व्यय का ब्यौरा प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए हर साल। और सीएजी ऑडिट कंपलसरी इसलिए जरूरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंटर कहीं से भी ठप्पा लगा लो आप, देश के अंदर जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का दुरुपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर, इसको रोकने के लिए सीएजी का हस्तक्षेप और राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बीजेपी ने यह कह दिया है कि लेस गवर्नमेंट, हम तमाम जो हमारी जिम्मेदारी है संवैधानिक जिम्मेदारी उसे हम पीछे हटना चाहते हैं, और कांग्रेस भी चुपचाप में पीछे से उसका फॉलोअप करती है। इस स्थिति के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, कांग्रेस भी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। विधानसभा में बैठा हुआ चर्चा ही नहीं होती, विधानसभा में क्यों नहीं होती चर्चा, कौन करेगा चर्चा? इस बार नई फीस नीति लाए, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। एनडी कादरी साहब से बात करते हुए पंकज जी आपका रुख करना चाहूंगा, नमस्कार कादरी साहब। नमस्ते सर, नमस्ते आप सबको, नमस्कार हमारा। जी सर, हमारा ये निवेदन है कि जो प्राइवेट स्कूलों पे जो जो सिस्टम है ये राज्य सरकार का किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में मतलब जो है 8वीं तक की मान्यता होती है, 10वीं तक के 12वीं तक के पेपर जो है दूसरे स्कूलों से करवाते हैं और खुद पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, और जो है अपने 10वीं पास टीचर नहीं है उनको भी मतलब जो है लगा रखा है, और यूनिफॉर्म और फीस के नाम पर तो लूट सी मतलब गाइडलाइंस को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, आप सीए हैं, एक तो सीए ऑडिट वाली बात कही और कहा कि ये बड़ा मिसयूज होता है, पहले इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। दूसरा सवाल सरकार को लेकर, नई फीस नीति आई है लेकिन वो लागू कहाँ है समझ नहीं आ रहा। देखिए मेंदोला जी जो बात थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट में अब जो चीज़ें थी, देखिए वो मेरे ख्याल में बहुत पहले की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज जिस तरीके के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, और आपने देखा कि चाहे सत्यम वाले मामले रहे हों चाहे बैंक्स वाले मामले रहे हों, लगातार यदि सबसे पहले यदि कोई आदमी को अरेस्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया तो इसके लिए वो ऑडिटर हैं उसके, तो और जितनी चीज़ें थी पारदर्शिता पूरी रखी गई हैं, कौन से अकाउंटिंग नॉर्म्स के, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप सरकार से ज़्यादा बेटर तरीके से मेरे ख्याल में ऑडिट हो रही है। लेकिन उन ऑडिट्स को होने के बाद जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पारदर्शिता नहीं है, बेसिकली वो उनका जो है स्पष्टीकरण कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो ऑडिट बैलेंस शीट होती भी है तो जो प्रबंधक है उनके पास रह जाती है, वो बेसिकली अभिभावक तक नहीं है, क्योंकि कोई भी मीटिंग में ना तो प्रोवाइड की जाती है और ना दिए जाते हैं, और दिए भी जाते हैं तो फाइनल स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बेसिकली वो जो पहुंच है वहां तक जहां अकाउंटिंग बुक्स की जब पहुंच है वो शायद नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग बुक्स की जो चीजें थी हैं और जो चीजें कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा जो चीज है वो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण समझा जाए तो निजी स्कूल पर नियंत्रण नहीं है, निजी स्कूल लगातार अपना एम्पायर खड़ा करते जाते हैं, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं अभिभावक बच्चे शोषण का शिकार होते जाते हैं। बिल्कुल देखिए जिस तरीके के सोसाइटीज एक्ट में बना, जिस तरीके के बना जो मेंदोला जी ने कहा, देखिए उसमें जो चीजें रही उनमें जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था, देखिए आप लगातार मैंने दो चीज आपको कहा कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो है लोग नहीं जा पा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों तक लोगों का मोह बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यह कि शिक्षा नीति के अंदर कहीं ना कहीं जो है इतनी खामियां पैदा हो गई थी कि जिनको जो है आपको दूर करने का टाइम लगेगा, और लगातार सरकार ने आपने देखा कि खुद आप जो शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, सरकार ने कहा कि
आठवीं क्लास में जो है जिस तरीके से पिछले आपने लिबर्टी देखी जो एडॉप्शन किया गया था कि लिबर्टी का मीनिंग ये हुआ कि उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर गया और आज दोबारा सवाल उठा था छुट्टियों की फीस का, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। बिल्कुल देखिए ये जो चीजें थी लगातार ये बहुत बार उठा ये प्रश्न उठे लेकिन कहीं ना कहीं दो चीजें बड़ी उसमें रही कि एक तरफ जो है उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो नॉर्म्स हैं सर्विस नॉर्म्स हैं उनका हुआ लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो फीस का स्ट्रक्चर है जो उनके पास अलग से पाबंदियां क्योंकि आप बुक्स पे भी देखिए तो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनकी बुक्स की जो प्राइसेस हैं वो इतनी रीजनेबल हैं कि उनके सामने जो अदर बुक्स हैं वो जो है वो नहीं है। दूसरी चीज एक बहुत साफ सी है कि जो सीबीएसई की जो स्कूलें हैं उनमें हर एक साल आप बुक्स के पैटर्न को चेंज कर देते हैं कि पिछले व्यक्ति की बुक्स जो है दोबारा काम नहीं आए क्योंकि किसी भी तरीके से वो बुक्स चेंज हो जाती है तो इससे जो पिछले बार किसी ने पढ़ाई थी दो ब्रदर भी अभिभावक के तौर पर बिल्कुल मैं बहुत साफ सा कह रहा हूं इसीलिए उन्होंने कहा कि अब की बार जो सेंट्रल में किया उस बुक्स में भी उन्होंने कहा कि जो नॉर्म्स की बुक्स हैं जो चीजें हैं वो अलग अलग स्कूल जो है एक लिमिटेड बुक्स ही अडॉप्ट कर पाएगा, आप बहुत सारे नहीं कर पाएंगे लगातार। ये जो अभी चलिए मैं जानना चाहूंगा इसका निजी स्कूलों पर क्या असर पड़ा। ज्योति जी आ रहा हूँ आपके पास में, दो दर्शक है, सुनील जी जयपुर से है और अनिल जी उदयपुर से हमारे साथ है। सुनील जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। बताए अश्विनी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि निजी स्कूल का बुक का और किताब का जो चल रहा है जबरन देते हैं कि ये गलत हो रहा है लेकिन इसके पीछे कहना का सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों हो रहा है। अरे भाई सरकारी स्कूलों में आप अगर ध्यान दो हर चीज का ध्यान दो तो जाहिर है पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराएंगे। आप खुद सरकारी स्कूल में ध्यान देते नहीं हो, गवर्नमेंट आपकी। सरकारी स्कूल क्या इसका रास्ता बन पाएंगे मैं उस पर भी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो सरकारी स्कूल है इतनी तनख्वाह दी जा रही है टीचरों को जी इतना हो रहा है लेकिन उस क्वालिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं वहाँ स्कूल में। आदमी गरीब आदमी वहाँ जाता है प्राइवेट स्कूल में, वहाँ उसकी जेब खाली हो जाती है। बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की ओर जाने की वजह से बड़ा सवाल है कि प्राइवेट स्कूल में जब पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या स्थितियां होती है। अनिल जी धन्यवाद आपका भी। ज्योति जी क्या सरकार का नियंत्रण है कहीं स्कूल पर लग रहा है? देखिए कानूनी तौर पर अगर हम देखते हैं तो सरकार बहुत कई बार कमेटियां बनाना, फीस निर्धारण के लिए अलग अलग तरह की कमेटियों के द्वारा निर्धारित करने की बात करना, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे चर्चा की गई, किताबें नहीं बिकनी चाहिए, मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए स्कूल्स में, इस बात को लेकर के कमेटियां जरूर बनाई जाती लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर निश्चित रूप से सरकार में कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाती। आप देखिए किताबें बेचने वाला जो काम है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। मुझे लगता है कि सरकार को उस समय कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके कुछ एक्स्ट्रा वहां पर अपने साल भर कहीं ना कहीं हमने देखा अपनी रिपोर्ट नहीं में लेकिन आप किताबें देख रहे किताबें स्टार्टिंग से तो उस समय तो कम से कम आप अगर आप अटैक करें तो स्कूल कम से कम शुरुआत वो तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि स्कूल्स जो बात मैं मंदुला जी की बात से पूरी तरह से सहमत हुई इस मामले में कि स्कूल अगर अपने आय और व्यय के विवरण को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर वो अपने प्रोस्पेक्टस में इसको शामिल करने को अगर कड़ाई से पालना लागू करके और पालना की जाए तो अभिभावक तक पूरी बात पहुंचे कि हम अगर हम फीस दे रहे हैं तो उसका ये यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। अदरवाइज ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी हो रही है और सिर्फ मुनाफाखोरी अगर होगी और स्कूल के बच्चों के माध्यम से क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है देखिए स्कूल प्रशासन के खिलाफ जाकर के आवाज उठाना क्योंकि उसका बच्चा वहां पर जाता है और पेरेंट्स की शायद सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत आप कुछ भी कहें वो बच्चा ही होता है। अगर वहां जाकर के बच्चों किसी भी तरीके से हरस किया जाए चाहे उसे सजा दी जाए चाहे जैसे भी कहा था कि लाइब्रेरी में बंद कर दिया बच्चों को तो वो पेरेंट एक दिन या एक घंटे के लिए उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए वो स्कूल वालों की मनमानी को जो है वो लगातार लेकिन सरकार के नियंत्रण की भी बात आ रही है। मैं छोटे से ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक का भी कॉल है, दो दर्शक हैं प्रकाश जी और राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार बताएं। हाँ भाई साहब मैं जयपुर के बोल रहा हूँ से जी। तो ये कि प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी है ना फीस जी उनका बहुत मतलब वो हो रहा है आए दिन तो परेशान करते हैं ये लेके आओ ये लेके आओ बहुत ज्यादा परेशान करने लगे मनमानी कर रखी है स्कूल। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ इसीलिए ये बहस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र जैन साहब आप क्या कहेंगे? आप सबको नमस्कार साहब जी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की स्कूल के जो स्तर को क्यों नहीं ऊंचा करती है ताकि सरकार के सारे विभाग के बच्चे वगैरह सब वहाँ पढ़े और काम और ऑडिट जो है उनका कराना चाहिए प्राइवेट का, बहुत डोल में पोल है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं छोटा सा ब्रेक लेके मंदुला साहब और पंकज जी दोनों से वापसी करना चाहूंगा।